musician. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो है फिर से बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। अगर आप जो है कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करते हैं, सो दोस्तों आज की ट्रिक जो है वो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में काम करेगी। अगर आप जो है कोई सा भी ब्रांड का डिवाइस जो है यूज़ करते हैं, सैमसंग हो गया, MI हो गया, या फिर कोई और वीवो ओप्पो, मतलब कि कोई भी डिवाइस जो है आप यूज़ करते हैं, तो ये ट्रिक जो है सभी में काम करेगी। सो दोस्तों, जो दूसरी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसका पता आप लोगों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं होगा तो शायद आने वाले टाइम में उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। सो उस जो सेकंड वाली सेटिंग है उसके बारे में जब आपको बताऊंगा तो उसको ज़रूर देखना। तो जो सबसे पहली वाली सेटिंग है, पहले मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं आपको जो दूसरी वाली सेटिंग है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को जो है स्किप मत करना। आपको अगर आप स्किप करेंगे तो आपको जो है पता नहीं चलेगा कि क्या मैंने बताया आपको और क्या नहीं। और जो मेरा एक और चैनल है ब्लॉग मिक्स चैनल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको जो है वो अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं जल्द ही जो है ब्लॉग्स वीडियो जो है डालने वाला हूँ। तो अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो सेटिंग है उसको आपने कैसे ओपन करना है, उसके लिए जाना है आपको आपकी फ़ोन की सेटिंग पे। तो फ़ोन की सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन मिलेगा और ये कुछ डिवाइसेस में शो नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये शो होगा। आपने अबाउट फ़ोन पे जाना है, फिर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाना है, फिर बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करना है, तभी ये जो है शो होगा डेवलपर ऑप्शन। ये पहले शो नहीं होता है, हाइड रहता है। फिर उसके बाद इसको अपने ओपन करना है, फिर ओपन करने के बाद आपने नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। आपको इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपने यहाँ पर जो है एक सेटिंग ढूंढनी है। तो दोस्तों, वो सेटिंग ढूंढने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये सेटिंग आपके क्या काम आएगी वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। सो आपने जो है नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस। इसको आपने नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक करना है, मतलब कि आपके बैकग्राउंड पे कोई भी प्रोसेस जो है नहीं चलेगी और आपका फ़ोन की रैम, मेमोरी और आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो भी जो है कुछ हद तक जो है सॉल्व हो जाएगी। सेटिंग को आप जो है जब बंद करेंगे, डिसेबल करेंगे, तो आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा जो है पहले से फ़र्क पड़ेगा। और ये सेटिंग जो है आपको डेवलपर ऑप्शन पे ही मिलेगी, और उसको कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो सेकंड वाली जो सेटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सो आपको इसके लिए अपने डायल पैड पे जाना है, यहाँ पे डायल करना है आपने, और इस सेटिंग के बारे में आपको शायद नहीं पता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपने टाइप करना है *#07#। दोस्तों, *#07# आपने यहाँ पे टाइप करना है, फिर आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये SAR वैल्यू। सो दोस्तों, ये जो SAR वैल्यू है ये हर एक कंट्री के लिए अलग अलग होती है, लेकिन जो इंडियन SAR वैल्यू है वो है आपकी 1.6 WKG। सो दोस्तों, ये अगर ज़्यादा हो जाती है तो इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैंसर भी हो सकता है। सो आप जो है इसे महीने या एक दो महीने बाद जो है इसे चेक करते रहिएगा आपके फ़ोन में। सो अगर ये ज़्यादा, ये जो है ये रेडिएशन पे काम करती है, आपके फ़ोन की जो रेडिएशन होती है जो कि अभी लिमिटेड है, जो कि आपके फ़ोन में बिल्कुल सही है इंडियन के हिसाब से, इंडियन प्रोडक्ट के हिसाब से जो है आपकी 1.6 WKG है। अगर ये ज़्यादा होती है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। अगर ये बढ़ जाती है तो सबसे ज़्यादा जो असर होगा वो आपके बच्चों पे होगा। जो बच्चे होते हैं उनमें जो है रेडिएशन का ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, उनके दिमाग में भी फ़र्क पड़ेगा, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है आप लोगों के बच्चों को, और बड़ों को भी ये जो है काफ़ी हद तक जो है नुकसान कर सकती है ये जो रेडिएशन है। और ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाती है तो आप जो है अपने डिवाइस को बेच सकते हैं या फिर इसे जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, और आप जो है नया डिवाइस भी खरीद सकते हैं। तो ये जो सेटिंग है आपको हर एक डिवाइस में देखने को मिलेगी, और हर एक डिवाइस में जो है आप इसे जो है इस कोड को लगा के चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो जो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सो बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर।